स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल के कालाढूंगी में भारत बंद मगर खुला रहा बाजार। कालाढूंगी में ट्रैक्टर रैली निकालकर मांगा समर्थन। केंद्र सरकार के तीनों किसान बिल के विरोध में भारत बंद के दिन जनपद नैनीताल के कालाढूंगी में भी भारतीय किसान यूनियन ने संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को अपना समर्थन देते हुए चकुलवा रामलीला मैदान से कालाढूंगी तक ट्रैक्टर रैली निकाली। ये रैली चकुलवा से देवल चौड़क चांदनी चौक कुंवा ढांट होते हुए कालाढूंगी पहुंची। यहां किसान आंदोलन के समर्थन में नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार से किसान बिलों को वापस लेने की मांग की गई। संयुक्त किसान मोर्चे के बलविंदर सिंह, हरजिंदर सिंह और लाल सिंह कंबोज ने कहा, केंद्र सरकार के किसान बिल जन विरोधी और किसान विरोधी हैं। सरकार किसानों का भला करना ही चाहती है तो इस कानून के साथ में MSP को भी लागू कर दे। आंदोलनकारियों का कहना था कि आने वाले चुनाव में पूरे उत्तराखंड में भाजपा के नेताओं का घेराव किया जाएगा। जो नेता किसानों का समर्थन करेगा, किसान उसका समर्थन करेंगे। कालाढूंगी संवाददाता जाहिद हबीबी की रिपोर्ट।